हेलो फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बीटेक की जो स्पोर्ट की थर्ड लिस्ट है उसमें कितनी सीट वैकेंट रहेगी, किस किस कैटेगरी और किस ब्रांचेस में रहेगी, डिटेल में बताऊंगा और साथ ही यहां पर एक आइडिया दूंगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और डिटेल में कट ऑफ जो है वो कल परसों तक कर दूंगा। आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कितनी सीट वैकेंट रहने वाली है, किन ब्रांचेज में और किन कैटेगरीज में और साथ ही कब तक जो है अगली लिस्ट आएगी, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, ये जो लिस्ट आई थी ये लेटेस्ट लिस्ट है सेकंड स्पोर्ट की, जो कि 6 सितंबर को आई थी और एडमिशन के लिए इन्होंने 11th और 12th को बुलाया है, यानी कि और जाना है, बिल्कुल जाना है, कल लास्ट डे एडमिशन के लिए, आज 11th हो गया तो कल 1 बजे तक जिन्होंने आज नहीं करवाया करवा लो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो अगली लिस्ट है वो 14th या 15th तक आ जानी चाहिए और बिल्कुल आएगी, थर्ड की स्पोर्ट की थर्ड लिस्ट आने वाली है, 99% चांसेस है कि आएगी, फ्यूचर वैसे कोई नहीं जानता इसलिए 100% नहीं बोल रहा, 14 या 15 सितंबर तक आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स ये सारे आप प्रिपेयर कर लो और डिटेल में जानना चाहते हो तो हर वीडियो में बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आज बात नहीं करेंगे उस पर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले VLSI की। तो VLSI की अगर हम बात करें सबसे पहले किस किस कैटेगरी में सीट वैकेंट रहने वाली है, जनरल में देख सकते हो ये अपग्रेडेशन लिस्ट है, 2 है, साथ ही यहाँ पर हम ये वैसे सेकंड स्पोर्ट की बात हो रही है, मैं आपको थर्ड बताऊंगा यही एनालिसिस करके। सिलेक्शन की बात करें यहाँ जनरल में 13 और ऊपर से 2 अपग्रेडेड, यानी कि 15 सीट वैकेंट जनरल के लिए, मुस्लिम में 5 यानी 20, ओबीसी में 3 यानी 23, वीमेन में 1 और जेके में 1 यानी 25 सीट वैकेंट थी स्पोर्ट राउंड 2 तक, इस चीज़ का ध्यान देना है VLSI जैसे ब्रांच में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ अब देखो स्टार्टिंग में सब एडमिशन लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में कहीं एडमिशन हुआ नहीं रहता है, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी जगह एडमिशन ले लिया है तो अब ये है कि कम ही स्टूडेंट एडमिशन करवाएंगे। जनरल में बिल्कुल आएगी अगली लिस्ट, सीट वैकेंट रहने वाली है जनरल में, और जो तो नॉन जनरल है, जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनको भी जनरल में डाल के सिलेक्शन किया जा सकता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मुस्लिम में भी चांसेस है कि 1-2 सीट वैकेंट रहे क्योंकि सिर्फ, और वैकेंट तब रहेगी अगर अपग्रेड होती है तो भी अच्छे चांसेस हैं क्योंकि ये इसको लोअर प्रेफरेंस पे रखा है VLSI पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर चांसेस हैं मुस्लिम के लिए और जनरल के लिए। जनरल के लिए तो बिल्कुल 100% चांसेस है, अगर आती है VLSI अगली कट ऑफ तो आएगी ही 99%, तो 100% जनरल VLSI के लिए आएगी। कट ऑफ क्या रहेगी एक यही बता देता हूँ मैं आपको, तो यहाँ पर जो आप मैं अप्रोक्स अगर 1,65,000 तक आप की अगर रैंक है तो VLSI में रेडी हो जाओ आप सब अपग्रेड या सिलेक्शन होने के लिए। अब यहाँ पर डिटेल में कट ऑफ क्या होगी मैं कल परसों तक ला दूंगा, इसको मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ अभी के लिए सिर्फ। मुस्लिम के लिए भी देख सकते हो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन्हीं दो में आएगी। अब अगले ब्रांच की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं डेटा साइंस की। तो देख सकते हो सिर्फ जनरल के लिए आई थी और इसके अंदर सिर्फ अपग्रेडेशन 1 ही स्टूडेंट का हुआ है बस, तो यहाँ पर तो अब नहीं आने वाला, मतलब डेटा साइंस में नहीं आएगी, बिल्कुल 0.01% चांस है कि आए क्योंकि प्रोबेबिलिटी फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनालिसिस देखें तो ये अपग्रेडेशन लिस्ट है जनरल की, देख सकते हो 10 अपग्रेड हुए हैं, और सिलेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ जनरल में 3, मुस्लिम में 1, यानी कि ये 14 हो गए, ओबीसी में 2 और जेके में 1, यानी 17 यहाँ पर है, 25 VLSI में थे, 17 यहाँ है, तो इसमें भी आने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि इसमें सीट वैकेंट हो। और कौन सी ब्रांच में हो तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल में सबसे ज़्यादा है तो जनरल के चांसेस हैं, मुस्लिम में देख सकते हो सिर्फ 1 ही सिलेक्शन हुआ है तो मुस्लिम के चांसेस कम है, बट जो मुस्लिम है या कैटेगरी वाले हैं उनको जनरल में डाल के सिलेक्ट किया जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पर जनरल में यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं, कट ऑफ क्या जाएगी तो 1,55,000 तक पे आपका अपग्रेड हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर इतनी रैंक है तो रेडी रहो। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख सकते हो जनरल में ये अपग्रेडेशन लिस्ट है, यहाँ पर जनरल में 10 अपग्रेड है, मुस्लिम में 2 अपग्रेड है, वहीं सिलेक्शन की बात करें जनरल में 1, 11 यानी कि वहाँ पे 2, 13 मुस्लिम में यहाँ पर 6 है यानी कि 19, 3 यहाँ पर ओबीसी में है, 22 मुस्लिम वुमेन में 1, 23 यहाँ पे जेके में भी सिलेक्शन हुआ है, तो 24 सीट वैकेंट थी स्पोर्ट राउंड 2 तक, तो यहाँ इसमें भी आने के पूरे चांसेस है। अभी तक सिर्फ डेटा साइंस में ही नहीं आएगी जहाँ तक हमने एनालिसिस किया। अब किस में आएगी तो देख सकते हो, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही बोला था एडमिशन के टाइम की जनरल की सबसे लास्ट तक जाती है, तो जनरल जाएगी, लास्ट तक जाएगी, टेंशन मत लो। मुस्लिम के लिए भी सीट वैकेंट रहने वाला है, हो सके तो मुस्लिम ओबीसी में 1 सीट वैकेंट रह जाए क्योंकि 3 है और अपग्रेड हो जाए तो फिर क्या पता 1-2 सीट हो जाए, बट जनरल और मुस्लिम के अच्छे चांसेस हैं। कट ऑफ क्या जाएगी वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में, वैसे कट ऑफ वीडियो कल परसों तक कर दूंगा, तो 1,50,000 1,48,000 तक जनरल और मुस्लिम के लिए 1,65,000 तक आप रेडी रहो।
अब बात कर लेते हैं मुस्लिम वुमेन या अदर के लिए, तो उनको टेंशन मत लो यार, आपको मुस्लिम में या जनरल में डाल के सिलेक्ट किया जा सकता है, टेंशन मत लो। सो अब यहाँ बात कर लेते हैं ECE की, तो यहाँ पर 73,000 जनरल के लिए गई थी और यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ दो का ही अपग्रेड हुआ है। मुझे लगता है सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली अपग्रेड होगा, तो अब यहाँ पर कोई चांस नहीं है। ECE अगर आपको JMI में रेगुलर से मिल रहा है तो फिर आप एडमिशन कोई क्यों ही कैंसिल करवाएगा, तो यहाँ पर ECE के लिए भी नहीं आएगी। डेटा साइंस और ECE दो ब्रांच हम हटा चुके हैं, इनमें नहीं आने वाली। अब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, क्या ये मिलेगी जिनको मैकेनिकल मिला है या कुछ सेल्फ फाइनेंस की ब्रांचेस, तो देखते हैं। ये अपग्रेडेशन लिस्ट है, जनरल को 3, मुस्लिम OBC ST को 1, यानी 4 अपग्रेडेशन हुआ है। सिलेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि नहीं आए, मतलब नहीं आएगी। बट अगर आती भी है तो जनरल के लिए अब अगर कोई अपग्रेड होता है, ऊपर से कोई सीट कैंसिल करवाता है और अपग्रेड हो जाता है, तब जाकर यहाँ पर एक आध सीट जनरल को मिल सकता है। वैसे फ्यूचर कोई नहीं जानता और कट ऑफ देख सकते हो काफ़ी लो गिरेगी, यानी 1,10,000 तक जा सकती है। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, सिविल के बाद आई थिंक इसके बाद कोई ब्रांच है या नहीं है, देखते हैं। बस ये लास्ट है सिविल, और लास्ट होप भी रहती है इस सिविल JMI में। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें अपग्रेडेशन वैसे नहीं होता क्योंकि लास्ट ही ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो जनरल में 18, उसके बाद 21, यहाँ नीचे अगली लिस्ट है, जनरल में 21 यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम में यहाँ पर 14, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो 35 स्टूडेंट तो यही हो गए हमारे। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम OBC ST में 3, वुमेन में यहाँ पर देख सकते हो 5, तो यहाँ पर हो गए अपने 43, 44, इंटरनल का भी हुआ है 45। तो यहाँ पर देख सकते हो आधी से भी ज़्यादा सीट वैकेंट है राउंड स्पॉट राउंड 2 तक, तो इसमें तो काफ़ी लंबा चलने वाला है। तो सिविल में अब हम बात कर लेते हैं, जनरल में आएगा, बिल्कुल आएगा जनरल में, और उसके बाद मुस्लिम में भी आएगा, मुस्लिम OBC ST में भी आने के चांसेस है, मुस्लिम वुमेन में भी आ सकता है बस। और जो इंटरनल है JK हैं उनको आप जनरल में या किसी दूसरे कैटेगरी में डाल के सिलेक्ट हो सकते हो। कट ऑफ क्या जाएगी वही बता देता हूँ मैं आपको, ये देखो 1,70,000 तक चांसेस हैं, 1,68,000, 1,69,000 तक जनरल को, मुस्लिम को 1,75,000 और 1,77,000, यहाँ 1,85,000 तक वुमेन को बस। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जिनकी और थोड़े से रह गए, जो मैंने कट ऑफ बताया गया उतनी भी नहीं आ रही है आपकी, तो फिर देखो अगली लिस्ट भी आने के चांसेस हो सकते हैं। पहले ये लिस्ट तो आने दो, थर्ड लिस्ट फिर पता चलेगा कितनों ने एडमिशन करवाया कितनों ने नहीं। सो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं इस पर अभी वीडियो लेकर आ रहा हूँ क्योंकि इस पर अभी भी खूब कमेंट आते हैं, डाउट बहुत होता है आपका इसीलिए, और लाइक ज़रूर कर देना पसंद आई तो। और कुछ भी पूछना है बताना हो कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।